कोलकाता हमेशा कुछ ना कुछ नया ले आता है, जो ना केवल हमारे मनोरंजन के लिए बल्कि बंगाल के बिजनेस और इकोनॉमी में भी सफलता लाता है। इस बार कोलकाता के मिलन मेला ग्राउंड पर आयोजित हुई है इंडिया फूड एक्सपो 2023 और आज मैं सुचिश्मिता जियो बांग्ला की तरफ से बात करने वाली हूँ वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स के साथ। सर वेलकम टू जियो बांग्ला। पहले जानना चाहेंगे सर आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में अगर थोड़ा बताइएगा दर्शकों को। ये व्यापार एक्सप्रेस एक हमारा समाचार पत्र के नाम से सन 1981 में हमने इसका प्रकाशन शुरू किया था और बहुत लोकप्रिय है फूड ग्रेन ट्रेड कम्युनिटी इंडस्ट्री में और ट्रेड में। और अभी हमने जो फूड इंडिया एक्सपो का आयोजन 7वें इशू का कर रहे हैं कलकत्ता मिलन मेला में, उसका आइडिया हमें इतने अनुभव के बाद लगा कि हमें एक नया प्लेटफार्म विकसित करना चाहिए और वो साथ कि लोग आपस में एक प्लेटफार्म पर मिलें, अपनी ज़रूरतों को सप्लायर्स को बताएं, सप्लायर्स उनको नई नई उनकी ज़रूरतों के अनुसार नए आधुनिक यंत्रों की उपलब्धता करवाए। सर वेलकम टू जियो बांग्ला। किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये शहर या लोकेशन चूज करते हैं ट्रेड फेयर? हम यहाँ पे हर स्टेट के आते हैं विजिटर, जैसे बिहार उड़ीसा सिलीगुड़ी वर्धमान उड़ीसा नेपाल सब जगह से विजिटर यहाँ पे आते हैं। तो इसी चक्कर में हम मेट्रो सिटी भी होगी यहाँ पे, इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे करते हैं एग्जीबिशन। इस बार कोलकाता फूड एक्सपो का उद्देश्य क्या है? कोलकाता एक्सपो का ये उद्देश्य है कि यहाँ पे एक्टिविटी बहुत बढ़ रही है और यहाँ पे कोलकाता में राइस का बहुत बढ़िया हो रहा है, तो इसीलिए हमने ये सोचा कि यहाँ पे हम कोलकाता में एग्जीबिशन रखी जाए जिससे जो नई जनरेशन आ रही है उनको आगे बढ़ने का भी मौका मिले और उनको हर चीज़ देख के पता चले कि कैसे पैकिंग होती है क्या होता है। आपने कोलकाता को इस फूड एक्सपो के लिए क्यों चुना? कोलकाता एक महानगर है और कमर्शियल हब है ईस्ट इंडिया का, एक्सपोर्ट में और डोमेस्टिक मार्केट में हर स्टेट से इसकी कनेक्टिविटी है और जिसके कारण हमने ये और ये जो मेला मिलन है ये भी एक आधुनिक प्रदर्शनी का स्थल बन चुका है और हजारों लोग रोज़ यहाँ पर आते हैं और अपनी ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर मार्केटिंग करते हैं, जो उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। और एक कलकत्ता ही ऐसा ईस्ट इंडिया का हब है जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सबसे बड़ी यातायात के साथ साथ प्रोडक्ट सभी उत्पादों का उपलब्ध होना, हर कंपनी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए इसको चुना। कौन कौन सी कंपनीज या प्रोडक्ट इस फूड एक्सपो में भाग ले रहे हैं? इस कंपनी में 150 प्लस है वो एग्जीबिटर भाग ले रहे हैं और यहाँ पे हर तरह के ऑल ओवर इंडिया से ब्रांडिंग वाले और मशीनरी वाले भाग ले रहे हैं इसमें। कुछ एग्जांपल बता सकते हैं मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स या कैसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं? जैसे कंपनी सटाका कंपनी हो गई मशीनरी की, ये इंडिया गेट हो गए राइस वाले, जैसे ये लाल बाबा राइस हो गया, वर्धमान एग्रो फूड हो गया यहाँ का, ये ऐसी पार्टियाँ सब पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें। दिल्ली की पार्टियाँ भी यहाँ पे कई पार्टिसिपेट कर रही हैं अपना। ओके सर, बंगाल को आपके मतलब आपके हिसाब से बंगाल को भारत के लिए एक बिजनेस इकोनॉमी कैसे बनाया जा सकता है? बंगाल को इकोनॉमिक इसलिए बनाया जा सकता है, यहाँ पे पंजाब हरियाणा दिल्ली हर जगह से यहाँ पे वो आता है राइस वगैरह आता है और वहाँ से एक्सपोर्ट भी सब जगह से आजकल हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक्सपोर्टर भी आ रहे हैं, सब विजिटर आएंगे तो उनको ऑल ओवर इंडिया का नेटवर्क मिल सकता है यहाँ पे आके। अभी तक का क्या रिस्पॉन्स रहा है इस ट्रेड फेयर में? अभी तक तो हमारे विजिटर बढ़ ही रहे हैं आगे से, हमने 6th पहले की है 7th ये कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया सबको। हाँ जी, और दर्शकों के लिए क्या मतलब क्या बोलना चाहेंगे? दर्शकों के लिए हम ये बोलना चाहेंगे कि आप आइए यहाँ पे विजिट करिए और आपको यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी हर चीज़ देखने को मिलेगी और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। 28, 29 और 30 दिसंबर को व्यापार एक्सप्रेस द्वारा आयोजित होने वाली है फूड एक्सपो 2023
और वहां जाने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा कोलकाता के मिलन मेला ग्राउंड पर। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना मत भूलेगा हमारे कमेंट बॉक्स पर। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए देखते रहेगा जियो बांग्ला।